हेलो सर, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो ये है कि कभी कभार जो है जो ये एंगल वॉल होता है, जिसको एंगल वॉल बोलते हैं, ये चीज़ जो है, देखिए यहाँ से इसके अंदर कभी कभी कचरा भर जाता है, डस्ट वगैरह आ जाने की वजह से आपका सिस्टम फिल नहीं हो पाता, पानी नहीं आता सिस्टम में और सिस्टम आपका भरता नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। इस एंगल वॉल को खोलना है आपको और इसको क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद वापस से लगाएंगे, वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हाथ से खोल जाता है, ये प्लास्टिक का होता है, तो इसको आप आराम से जो है इजीली हाथ से खोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि इससे इस सिस्टम से या कंसील सिस्टम से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जा करके इसका दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पूरा प्रोसेस मैंने सर्विस का क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मेंटेनेंस की जो भी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से एंगल वाल लगा होता है, वो सभी सिस्टम में इस तरीके का एंगल वाल लगा होता है। देखिए इसको हमने खोला और इसके अंदर ये नई फिटिंग है, तो ईंट का टुकड़ा और कुछ मोरंग के दाने वगैरह इसमें आकर फड़े फंसे हुए हैं। ये डस्ट की वजह से जो है पानी का प्रेशर बहुत ही स्लो था, जिससे इसको सिस्टम को फिल होने में बहुत टाइम लगता था। तो इसमें देखिए ईंट का टुकड़ा फंसा हुआ है और इसको क्लीन करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी कंसील्ड सिस्टम है उसमें पानी के उसके लिए जो है एंगल कॉक लगा होता है, तो एंगल कॉक किसी में ब्रास का होता है, किसी में प्लास्टिक का है, तो आप जो है वहाँ से खोल के क्लीन कर सकते हैं। तो ये ब्लॉकेज वाला इशू तो आपका इस वीडियो से रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आपके सिस्टम में कोई और अदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई अदर्स इशू है, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से जाके देखेंगे, तो वो भी आपके लिए इजीली आप उसको भी कर सकते हैं। और वन पीस के जो भी हैं आपके, जैसे सिंगल पीस कमोड के, इससे रिलेटेड जो भी है, जो भी फिटिंग्स वगैरह की जो इस तरीके से जो भी वीडियो मेंटेनेंस के लिए है, उसमें अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई और प्रोडक्ट है कंसील सिस्टम के अलावा, सेंसर है या फिर आपका टैप्स की कोई लीकेज की प्रॉब्लम है, या फिर आपका वो सिंगल पीस कमोड की लीकेज की प्रॉब्लम है, तो उसका जो है वीडियो है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो मैं आपको उसका वीडियो का लिंक जो है वो भेज दूँगा। देखिए इस तरीके से इसको साफ़ करना है। जो इसके दूसरे वीडियोस हैं उसमें मैंने पूरा क्लीनिंग के लिए, सर्विस के लिए क्या क्या चीज़ें कैसे इंस्टॉल होती हैं, कैसे लगती हैं, सारी चीज़ें मैंने उसमें दे रखा है, तो आपको इजीली आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। ये तो खाली जो है मैंने जो वीडियो बनाया है इसका खाली एक ही इसमें एक ही इशू हो रहा था कि इसमें पानी भर नहीं रहा था, जो कि इसका रीज़न था कि ये ब्लॉक था, ब्लॉकेज इशू था इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें। और हम मैं एक चीज़ और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखिए बहुत लोग कमेंट करते हैं वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं, वीडियो अच्छी नहीं। देखिए मेरा जो वीडियोस है ना सर, वो एक्चुअल में कोई एंटरटेनिंग वीडियो तो नहीं है, ठीक है, कोई मनोरंजन के लिए मैं बनाता नहीं हूँ। अगर ये वीडियो जिस तरीके से जो भी इसकी क्वालिटी है, ठीक है, वीडियो का जो भी क्लियरिटी है इसमें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इशू आएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी चाहिए। यह टेक्निकल वीडियो है, ना कि ये कोई आपका जो है कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ कई लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो जो है आपके वो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, काम होना मेन ज़रूरी तो काम है। जिस पर्पज़ से वीडियो बनाया है मैंने, वो पर्पज़ वो प्रॉब्लम जो है इससे वो रिजॉल्व होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वालिटी तो उस वीडियो में क्लियरिटी उसमें चाहिए, जो एंटरटेनिंग वीडियो हो, जिसमें आपको कोई एंटरटेन करने के लिए जो वीडियोस बनते हैं उसके लिए, ठीक है। ये मैं खुद बनाता हूँ तो जो है प्रॉब्लम होती है मेरे लिए कि मैं पूरा प्रॉपर उस तरीके से नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे कोई और हेल्प के लिए नहीं होता है, मुझे खुद ही जो है वीडियो भी बनाना होता है, मोबाइल भी पकड़ना होता है, काम भी करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं दे पा रहा हूँ, बट ये भी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना समझने वाली कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होती वीडियो में,
ठीक है, जो भी वीडियोस हैं मेरे उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको देख करके आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि कोई कमेंट करता है क्लियरिटी नहीं अच्छी है, ठीक है वीडियो में, लेकिन मेन तो जो आपकी जो आपको चाहिए वो तो मिल रहा है आपको। तो प्लीज़ आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ताकि इस तरीके की जो भी वीडियोस हैं मैं आप लोगों को हेल्प करता रहूं, अपलोड करता रहूं चैनल पे। देखिए यहाँ पे एक एंगल स्टॉप कॉक भी लगा हुआ साइड में, देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है, ये ज़रूरी है, हर सिस्टम में लगाना चाहिए, बाहर एक स्टॉप कॉक ज़रूर लगाना चाहिए। उससे एक फ़ायदा होता है कि अगर आप नहीं खोल सकते तो बाहर से ऑन ऑफ कर सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम है। देखिए इसमें टेफ्लॉन लगा दिया हमने, टेफ्लॉन लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आप हाथ से टाइट करेंगे तो लीकेज की प्रॉब्लम होगी अगर बिना टेफ्लॉन के लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको हाथ से ही टाइट कर देना है आराम से, और वैसे नॉब खींच के नीचे निकल जाता है, जहाँ से हम पानी ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, देख रहे हैं आप गोल, ये चीज़ निकल जाता है नीचे, कभी हल्का फुल्का प्लास से ज़्यादा टाइट हो जाए तो कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक उस पर प्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं तो हमेशा हाथ से ही खोलता हूँ और हाथ से ही टाइट करता हूँ इसको। ब्रास में आपको देखिए पानी का फोर्स कितना स्पीड बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि पहले तो पानी भरने में बहुत टाइम लगता था। अच्छा इसको मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ, इसके बाहर लगा हुआ है, इसका ऑन ऑफ के लिए एक कंसील्ड स्टॉप कॉक लगा हुआ है जो कि कंसील सिस्टम में मस्ट है, ज़रूरी है, लगाना चाहिए उसको, उससे आपको जो है काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आ गई सर्विस में, मेंटेनेंस में कोई टाइम लग रहा है, लीकेज हो रहा है, तो बाहर से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो इसलिए हर सिस्टम में लगाएं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा तो नहीं सिस्टम के बारे में समझ में आएगा, लेकिन जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ से इससे रिलेटेड इसका जो दूसरा वीडियो है वो जो है आप देख सकते हैं। कंसील सिस्टम के कई सारे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, बल्कि हर तरह के वीडियोज़ हैं, कंसील सिस्टम, EWC, प्लास्टिक सिस्टम, जो सिंगल पीस का मोड आते हैं उसके, तो वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये कई बार कनेक्शन पाइप भी ख़राब होता है तो उसका भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, धीरे धीरे मैं बनाता हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है मेरे लिए, तो मैं लेकिन वैसे मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना रखे हैं जिससे देखने के बाद आप लोगों को लगभग मैक्सिमम 90% प्रॉब्लम आप लोग खुद ही रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, पार्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो को अगर आप ठीक से देखेंगे तो पार्ट खोलने में बंद करने में भी कभी टूटने उठने का चांस नहीं होता, और ये सब प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर टूटता नहीं है तो जल्दी ख़राब नहीं होता है, सालों साल चलता है। अभी क्या होता है कि जैसे किसी ने खोला उसको नहीं पता है कैसे खोलना है, कैसे बांधना है, कैसे फिट करना है, तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती देने से प्लास्टिक के पार्ट होते हैं वो टूट जाते हैं। देखिए मैं आपको इसमें पानी का लेवल भी दिखा रहा हूँ कि आपको कितना क्या करना है, ठीक है। तो प्लास्टिक के पार्ट होते हैं, इसमें टूल्स की भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आप एक दो बार खुद से खोलेंगे बंद करेंगे तो आपको एकदम क्लियर आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि कैसे करना है, फिर तो एक आपके लिए बिल्कुल बहुत इजी लगेगा कि इसमें तो कुछ नहीं है, हम खुद ही कर सकते हैं इसको, इसके लिए बाहर से किसी को बुला करके उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमारा टाइम ख़राब नहीं होगा, हमें असुविधाएं नहीं होंगी कि बाल्टी से पानी डालना पड़ रहा फ्लश के लिए या फिर कुछ ऐसी कोई दिक्कत, वो 2-5 मिनट आप देंगे तो आपका प्रॉब्लम खुद ही आप स्वयं रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इसी सिस्टम का मैं एक और वीडियो यूट्यूब पर डाल रहा हूँ जिसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें इस बॉल कॉक के जो फिल वाल है जिससे पानी भरता है ऑटो कट होता है, इसकी जगह पे एक दूसरा बॉल कॉक भी लग